जवानों के लिए। ए जवानों, मुझे बहुत चिंता है आपकी, क्योंकि मुझे पता है जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनका तो 10-20 साल के बाद में मोक्ष होने वाला है। तुम्हें आने वाले कम से कम 50-60-70 साल देश के लिए जीना है, इसलिए बुजुर्गों की चिंता है। मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप भारत का भविष्य है, दुनिया विश्व का भविष्य है। अब जवानों के लिए व्यायाम करेंगे पूरा, इसमें 8 बैठकें हैं और 12 दंड 20 अभ्यास है। कितने बोलो? तो चलो पहला अभ्यास, गिनते रहना। पहला इनके नाम भी है, अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अरे माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। सुधा का कल्याण न भूले। चारों में भी तो छलांग लगाई थी। देखो अलग अलग अभ्यास है, ये पहला था, ये दूसरा था, फिर तीसरे में धीरे धीरे नीचे गए, धीरे धीरे ऊपर, एक श्वास में एक अभ्यास, फिर ऐसे दो हाथ पर ठोको बैठ में, फिर पांचवे में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 सब जवान चाहते हैं उनकी पिंडलियां बहुत मजबूत हो। पहले ताल ठोकते थे, पर आज माँ का दूध पिया था, ऐसे चैलेंज करते थे, चुनौती देते। 5 हो गए, 6, 7, 8 इनका नाम ही है हनुमान बैठक। क्या है बोलो? बोलो बजरंग बली की। हम बजरंग बली की जय इसलिए बोलते हैं, बजरंग बली जैसे हो जाए। राम की कृष्ण की जय इसलिए बोलते हैं, राम कृष्ण जैसे हो। हर हर महादेव इसलिए बोलते हैं, स्वयं शिव रूप हो जाए। चलो दोनों हाथ सामने। मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। विनाशकारी विकास नहीं होना चाहिए, विनाशकारी अनुसंधान नहीं होना चाहिए। ओ आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, जनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूल। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूल। चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले।
आपने भी किया ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ नहीं किया। बोले बाबा ये तो पुनर्जन्म में होगा। बैठो बैठो बैठो। अभी पूरा नहीं हुआ है यार। हर काम में क्या बताया था मैंने, समग्रता क्या होनी चाहिए बोलो। अब ये सारे शब्द नोट कराऊंगा। समग्रता, स्थायित्व, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता, वह न्यायपूर्ण होना चाहिए, प्रीतिपूर्ण होना चाहिए, धर्मपूर्वक होना चाहिए। अभी तो 8 बैठक की थी, क्या की थी बोलो बैठक। अब दंड लगाएंगे। कितनी दंड लगाएंगे? 12। पहले गौर से देख लो, सीख लो, फिर मेरे साथ साथ करना। जरा सामने देखो। पहला ये है साधारण दंड। क्या है बोलो? ये साधारण दंड है। नीचे गए फिर वापस आ गए। दूसरा राम मूर्ति दंड। दूसरा ये। धीरे भाई धीरे, थोड़ी शांति रखो थोड़ा। ये तीसरा, ये तीसरा, ये वक्ष विकास दंड, सीमा चौड़ा करने के लिए। फिर ये हनुमान दंड। पूरा जाना, पूरा आना, फास्ट करना हो तो। फिर वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास ऐसे। फिर पार्श्व दंड, पैर साइड में सामने झुक गए। पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड ऐसे। ये पैर सामने से आएगा। फिर पलट दंड। क्या है बोलो? पलट दंड। कैसे? उसमें पलटी मारते ऐसे, साधारण दंड लगाई और यूं मार दी, फिर वापस आ गई। बीच में फंसना नहीं चाहिए मामला। फिर शेर दंड या सिंह दंड ऐसे। फिर सर्प दंड। फिर लास्ट 12 मिश्र दंड। क्या है बोलो? एक, धीरे धीरे करो। 1, 2 समझ में आई? ये करने से क्या होता है प्रत्यक्ष? ये देखो इधर सामने पसीना आता है, टपका। सुबह पसीना नहीं टपके गाना तो तू ही टपक जाएगा थोड़ी देर। ए जवानों, बसरी का कपाल भाते अनुलोम विलोम बुजुर्गों के लिए बताया था। मेरा साथ दोगे तो ऐसे बैठो ना, साथ देने के लिए पलोथी मार के क्यों बैठे हो? तो दो दो बार कराएंगे। कितनी बार? चलो बता दिया ना, पहले सिखा दिया, नाम भी बता दिया। आराम से एक श्वास में एक अभ्यास, प्राणायाम भी साथ साथ हो जाएगा। बसरी का प्राणायाम पूरा हो जाता है। धीर विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? धीर विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा
भाषा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। वसुधा का कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण पलटी लगाने में बहुत दम खम चाहिए बुझाऊ में। अब पता लगा कोका कोला पेप्सी पीने में और गाय का दूध पीने में गाय का घी खाने में क्या अंतर होता है। बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं और आओ कुछ तूफानी करते हैं, ऐड बना रहे हैं तूफान उठाएगा। तूफान तो कोका कोला पेप्सी में केमिकल से उठता है बावड़े, तेरे भीतर तूफान भीतर से उठना चाहिए, योग से, शक्ति से, शौर्य से, तेज से, ज्ञान से, सद्गुणों से, चरित्र से।